हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप सबको पता है, क्लास 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं। उसके लिए यहां पे CBSE ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। उसके रिगार्डिंग उन्होंने यहां पे एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो है प्रोसेस इशू किया था, जिसमें आप सभी को पता होगा। तो अब हम बात ये करने वाले हैं कि इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तो हो सकता है आपके लिए बहुत ही इसमें फ़ायदा आप लोगों को मिले। क्योंकि आपको सबको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं वो आने चाहिए थे ज़्यादा, बट बहुत कम आए हैं। उसके लिए CBSE ने पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक फॉर्म इशू किया था, इस बारे में बताया था कि हम बहुत जल्द जो है आप लोग एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो CBSE ने वो सर्कुलर कल इशू कर दिया था, कल जारी कर दिया था, कल रविवार का दिन था। अब बात ये करते हैं कि उस पॉलिसी में क्या बताया गया है, किस तरीके से वो डिस्प्यूट सेटलमेंट की जो सर्कुलर इशू किया उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आप लोग तक पहुंच सकती है। तो ये अपडेट बहुत बड़ी अपडेट हो सकती है, बट आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स को एक बार सोच समझ के इसमें जो है फॉर्म फिल करने चाहिए अपने, मतलब कह सकते हैं कि जो आगे मैं बताने वाला हूं वो क्या प्रोसेस है, वो आइए देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि CBSE ने कल 8 तारीख को जो है एक नोटिफिकेशन इशू किया। तो जो मेन कंटेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे CBSE ने दो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, कि दो मेन पॉइंट CBSE जो है प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं पहले आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ क्या है, फिर उसको मैं मतलब समझाता हूँ। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट डन बेस्ड ऑन द पॉलिसी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपियर इन द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव फॉर होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज पर द पॉलिसी मार्क्स स्कोर्ड इन लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल। कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लेकर, जो उनके मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो चाहते हैं कि अपने मार्क्स और इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शनल एग्जाम जो होने वाला है, बट यहाँ पे कंडीशन उन्होंने ऐड कर दिए कि जैसे आपको पता कि पहले एग्जाम होने वाले थे 16 अगस्त से, फिर उसको डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया, वो हो गया 25 अगस्त। अब यहाँ पर भी एक बात बता दी कि उन्होंने अगर ये जो COVID-19 की जो प्रॉब्लम अभी तक चल रही है, अगर ये ठीक हुई उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो आगे भी आप सोच सकते समझ सकते अब क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, डिस्प्यूट रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट विल बी रेफर्ड टू अ कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय CBSE। CBSE के द्वारा जो यहाँ पर डिस्प्यूट रिगार्डिंग कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी को आप यहाँ पर जो भी आपके डिस्प्यूट है, जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, वो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। अब आगे आइए, इसमें जो टोटल, इसमें जो डिस्प्यूट की बात की गई, जो उसमें टाइप्स बताए गए हैं, टोटल यहाँ पर उन्होंने 4 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। तो वन बाय वन पहले समझते हैं टाइप्स क्या है। टाइप फर्स्ट, व्हाट आर टाइप फर्स्ट एंड टू डिस्प्यूट। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, द रिजल्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द रिजल्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ द CBSE बाय टेकिंग द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स। हम बात ये करते हैं कि यहाँ पर ये बताया कि, जैसे आपको बताया कि क्लास 12th के बारे में पहले बात कर रहे हैं हम लोग, और एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, पहले पूरी वीडियो को आप जरूर देखते रहिएगा कि क्लास 12th के पहले जो डिस्प्यूट है उसको कंसिडर करेगी CBSE, उसके बाद ही क्लास 10th के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको कंसिडर करेगी। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया कि क्लास 12th के जो रिजल्ट की प्रिपरेशन थी वो 3 क्लासेस के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रिपेयर किए गए थे। जो पहला फर्स्ट क्लास है आप लोगों के, वो क्लास था आपका 10th, फिर 11th और 12th। जैसे आपको पता कि क्लास 10th में जो टोटल परसेंटेज थे, जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आ रहे थे, उसका एवरेज करके 30% आपके 5 सब्जेक्ट में मार्क्स दिए गए थे। क्लास 11th की बात करें, उसमें से जो आपके फाइनल एग्जाम हुए थे उसमें टोटल जो है आपके 30% ईच सब्जेक्ट में से लिए गए थे। और 12th की बात करें, जो क्लास 12th की बात है, वो जो इसमें से जो टोटल मार्क्स कंसिडर किए गए थे, जिसमें आप कह सकते हैं यूनिट टर्म, मिड टर्म, प्री बोर्ड, इंक्लूडिंग सभी टर्म्स में जो बेस्ट मार्क्स थे, वो टोटल 40% वहाँ पे कंसिडर किए गए थे। इसके हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट प्रिपेयर किया गया था। तो डिस्प्यूट नंबर 1 में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बताई गई है बात, जो वो स्टूडेंट्स जो इन क्लास में जो उनके मार्क्स आए थे, और उस मार्क्स से वो उनको लगता है कि उनके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, स्कूल की तरफ से कम मार्क्स भेजे गए हैं, तो वो यहाँ पर जो डिस्प्यूट नंबर 1, जो टाइप नंबर 1 है, और टाइप नंबर 2 भी आप इसमें इंक्लूड कह सकते हैं, कि उसमें वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा अप्लाई करना कैसे, किस तरह से करना है, पहले समझ लेते हैं इस बात को। टाइप नंबर 2, वैसे बी पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट आर टाइप 3 डिस्प्यूट, 1 और 2 एक में ही थे।
dispute regarding wrong computation या uploading for result. Once any result committee herself without any representation from any students observed that mistake has been committed by them in calculations, feeding the marks any other factual mistake. आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर एक तरह से जो थर्ड डिस्प्यूट यहाँ पे बताया गया, उस डिस्प्यूट में बताया गया कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो रॉन्ग कंप्यूटेशन हो गए हैं, या जो सीबीएसई वेबसाइट, जो सीबीएसई वाले ने वेबसाइट पे आप लोगों के मार्क्स अपलोड किए थे वहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुआ है. आपको ऐसा लगता है कि स्कूल की तरफ से मार्क्स अच्छे भेजे गए थे बट वहाँ पे अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है, अपलोडिंग में मिस्टेक्स हुआ है, तो वहाँ पे सेकंड नंबर जो थर्ड नंबर डिस्प्यूट है उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं. अब बात करने वाले जो लास्ट है यहाँ पे, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्थ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिसी. जैसे ये जो मार्क्स मार्किंग स्कीम पॉलिसी थी कि 30%, 30%, 40%, अगर आप इसमें यहाँ पर जो लिखा गया इसमें भी आप डाउट है, आपको ये लगता है कि पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए था, तो इसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर जो है अपना कंप्लेन या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन दे सकते हैं. अब हम आगे बात करने वाले हैं इसमें इन्होंने ऐसे ओवरऑल उसी को आगे जो आप देख रहे होंगे, जो टोटल चार पेज का सर्कुलर इशू हुआ था, जो सेकेंड नंबर पेज है उसमें आप देख रहे हो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से क्या क्या इसमें आपको प्रोसेस फॉलो करने हैं. तो इसका जो पूरा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी भी हो जाएगी तो इसका मैं पूरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं. जो मेन मेन कंटेंट्स है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. तो पॉइंट पेज नंबर टू में कुछ खास बातें उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो जो उसमें मिस्टेक्स हैं. अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट नंबर सिक्स आप देख रहे होंगे, जो शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ है, जो आप लोगों को ये जो टोटल तीन जो टाइप्स के मिस्टेक्स हैं उसको कैसे कब से स्टार्ट करना है, कब तक आपको जो है वो प्रोसेस करना है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कमेटी बनाई गई है वही कमेटी है जिन्होंने पहले आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया था. तो डिस्प्यूट कमेटी भी वही बनाई गई है, वही दोबारा से उन सब चीज़ों को देखेगी, फिर वो जो है अपने आगे जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे, फिर उसमें बहुत सारे चेंजेस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे. अब हम बात करते हैं आगे कि जो टाइप फर्स्ट है, जो उसकी स्टार्टिंग डेट है वो है आपके 9 अगस्त यानी कि आज जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ. तो आप लोग जो इन स्टूडेंट्स चाहते हैं वो स्टूडेंट्स जाके स्कूल में एक जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, जिस हिसाब से एप्लीकेशन लिखते हैं वो थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूंगा इसमें किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है, वो वहाँ पर आप शेयर करेंगे. तो टाइप फर्स्ट में जो अगर आपको कंप्लेन करना है तो 9 अगस्त से लेकर आपको 11 अगस्त तक करना है जो टोटल कंप्लेन है. और ये जो प्रोसेसिंग होगी जो रिजल्ट कमेटी की वो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे. टोटल कह सकते हैं कि जैसे जैसे वहाँ पे कंप्लेन आएगी उस हिसाब से 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक वो टोटल टाइप वन के यहाँ पे जो है वो प्रोसेस कर देंगे. टाइप टू की बात करें तो टाइप टू में आप 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक जो है यहाँ पे आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं स्कूल के थ्रू. और जो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो 12 से लेकर 16 अगस्त तक जो है आप लोगों के यहाँ पे उसके जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी उसका आउटपुट निकलता है वो आपको बता दिया जाएगा. टाइप थ्री की बात करें 10 अगस्त से लेकर जो स्टार्ट होगा और 12 अगस्त तक आपको इसमें अप्लाई करना है. और इसका भी जो रिजल्ट प्रोसेस है आपका, ये कह सकते हैं कमेटी जो डिक्लेयर कर देगी आपको, वो 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा. अब बात करें कि इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे मैं बताने वाला हूँ अदर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. इट मे बी नोटिस द स्टूडेंट्स आर नॉट एट द लिबर्टी टू चैलेंज कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स यूज बाय द रिजल्ट कमेटी और द मॉडरेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ मार्क्स. पॉइंट नंबर टू, स्टूडेंट्स या स्कूल विल मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. तो मतलब ये बात करें, जो आप जो एक एप्लीकेशन लिखेंगे उस एप्लीकेशन में जो मेंशन करेंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है कि आप लोगों को सबसे पहले ये मेंशन करना है अपने एप्लीकेशन में कि आपको ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे आप कर सकते हैं. वैसे स्कूल की जो वेबसाइट्स होगी उस पर भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली स्कूल में जाके भी आप इस कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप क्लास 10th या 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है. सेकेंड है डिस्प्यूट रेज्ड एंड प्रेजेंटेशन क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज. जो भी आप लिखना चाहते हैं, ज़्यादा बहुत बड़े कह सकते हैं वर्ड्स में नहीं लिखना है आपको, बहुत शॉर्ट में लिखना है. उसमें अपने जो भी डाउट्स हैं वो सारे एक साथ वहाँ पे मेंशन करने हैं. जो पॉइंट नंबर सी है यहाँ पे, फैक्ट्स फिगर्स एंड रिकॉर्ड इफ एनी सपोर्ट ऑफ द डिस्प्यूट. अगर आपके पास जो भी कोई
कह सकते हैं कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो मेरे मार्क्स क्लास 10th में इतने थे, 11th में इतने थे और 12th में इतने थे, इसके रिगार्डिंग जो भी CBSE की पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी के रिगार्डिंग इतने मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, बट मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं, तो यहाँ पर आप उसको सपोर्ट में जो है अटैच कर सकते हो, जो उसकी फोटोकॉपी वो अटैच कर सकते हो। जो पॉइंट नंबर डी है, कंप्लीट डिटेल ऑफ द कैंडिडेट्स, जो आपको नेम डालना है, जो प्रॉपर आपका नेम है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वो नाम डालना है, आपका रोल नंबर डालना है, स्कूल का नेम डालना है और सब्जेक्ट डालने हैं कि किस सब्जेक्ट में आप जो है आपको डाउट है कि आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तो मार्क्स कम आए, और अपना यहाँ पे ईमेल डालना है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो है अपने फॉर्म में वो टोटल अच्छे से दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें आप मिस मत करिएगा, अच्छे से उस पूरे एप्लीकेशन को फिल करिएगा। अब बाकी सारी डिटेल मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। अब मैं बात कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ जो आप लोग सभी समझते हैं कि कहाँ पे हमें इस बात को गौर करना है कि क्या ये जो प्रोसेस है इससे हो सकता है कि उम्मीदें कुछ स्टूडेंट्सों का फ़ायदा हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का फ़ायदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो क्लास 12th के जो मार्क्स थे वो मार्क्स तो उनके पास पहुंचे नहीं, उनको बता ही नहीं गए हैं, तो वो किस बिहाव पे यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ बीच में कुछ एक गैप हो रहा है, बहुत बड़ा गैप हो रहा है, जो कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है स्टूडेंट्स और स्कूल और CBSE को लेकर, कि अभी भी फैक्ट्स और फिगर्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियाँ दिखाई दे रही हैं। बट आई होप, उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो अप्लाई करोगे तो आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ मार्क्स की वजह से उनका कंपार्टमेंट भी आ गया है और कुछ मार्क्स की वजह से स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम भी देना चाहते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को यहाँ पे आगे मैं जो बता रहा था कि यहाँ पर CBSE ने ये कह दिया है कि जो भी प्रोसेस में आप कंप्लेन करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और अदर यूनिवर्सिटी में अगर आपको अपने एडमिशन के रिगार्डिंग आपको अप्लाई करना है तो आप एडमिशन के रिगार्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस बात सभी को पता है, UGC को भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रही है, तो वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी मार्क्स आएंगे वो वहाँ पे दोबारा से आप सबमिट कर सकते हैं, फाइनल जो भी आएगा आप मार्क्स वो सबमिट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे एक आती है कि सर ये जो रिजल्ट हमारा प्रिपेयर होगा क्या वो पुराने मार्कशीट पे ही कुछ लिखा जाएगा, कुछ कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका अगर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट जो और या डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आपके मार्क्स यहाँ पे इंप्रूव होते हैं तो आपके एक फाइनल मार्कशीट प्रिपेयर की जाएगी, वो मार्कशीट आप जो प्रिपेयर सबमिट करेंगे और वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। और बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स अगर अपने ऑप्शनल एग्जाम देते हैं और उससे पहले जो उनका रिजल्ट आया है, तो जो ऑप्शनल एग्जाम के बाद जो उनके नंबर्स आएंगे वो उनका फाइनल नंबर माना जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। बस आपको जैसे ही लगता है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम है अपने मार्क्स को लेकर, तो आप जल्दी से जाके स्कूल में जो है एक एप्लीकेशन प्रोसेस करिए, उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और आगे के जो आपके एडमिशन्स हैं वो क्लास 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन है वो भी आप फॉर्म फिल कर दिए, ताकि वहाँ पे टाइम आपका जो डेट है वो एंड ना हो जाए और कहीं आपका एडमिशन रह ना जाए, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका वहाँ पे जवाब आप लोगों को दे दूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में, और अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ आप लोग समझना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तो आप बने इस चैनल पर, और ज़्यादा मैं कहूँगा एक बार दोबारा से अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो नई अपडेट है वो आप तक पहुँचते रहेगी, और इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए चैनल पर। जय हिंद।